गो माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। यदि गो माता हमारे घर में है तो हम पितृदोष, वास्तुदोष एवं समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं एवं गो माता का स्पर्श करने से शरीर रोग मुक्त रहता है। हम सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि गो माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, प्रतिदिन गो माता का पूजन कर गो ग्रास निकालें और अपने जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ आदि मांगलिक प्रसंग पर हमें गो भंडारा आयोजित कर गोवंश को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा के पुण्य प्राप्त करना चाहिए। उक्त उद्गार शिव महापुराण कथा विराम दिवस पर पंडित अंकित शर्मा ने व्यक्त किए। आप श्री ने नंदी को धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा कि नंदी की तरह धर्म के चार चरण दया, दान, सत्यता और पवित्रता है और यदि हमें शिव को पाना है तो पहले हमें धर्म रूपी नंदी को समझना होगा। आप श्री ने व्यास गादी से आमजन से कश्मीर फाइनल फिल्म टिकट लेकर सिनेमा घर में देखने की अपील करते हुए राष्ट्रवाद का अलख भी जगाया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और स्वतः अपने मन से मां तक पहुंच जाता है, यही तो गाय के दूध की महत्वता है। 50 भैंसों में उसके बछड़े को छोड़ दो, बछड़ा पहचान नहीं पाएगा कि मेरी माँ कहाँ है, नहीं पहचान, देख लेना। पर गाय का बछड़ा 100 गाय में भी अपनी माँ को अलग पहचान जाएगा, एक बार में दौड़ के माँ के पास जाता है। ये गाय के दूध की महत्वता है महाराज, निवेदन करो। कथा यहाँ पर गौ की आई इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कथा ना तो सबने सुनेल छे। अरे कथा का सार यही है कि यदि हम जाग जाए, हमको जगाने वाले तो जगा रहे हैं पर हम जागना नहीं चाहते। अरे जो नए युग की तैयारी में लगे हैं, वो जो सुधारना चाहते हैं पर लोग नारा लगा देते हैं, पीछे आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ सुधरेंगे, पर वो सिर्फ हमें सांत्वना दे करके वापस चले जाते हैं क्योंकि वो जिसे हम सेकुलर कह सकते हैं, जिसे स्वार्थी कह सकते, आ रहे हो, जो स्वार्थी है, जो अपना ही चाहता है, वो तो अपना स्वरूप बदल नहीं सकता, पर जो शिव भक्त हैं, वो बदलेंगे और युग को भी बदलेंगे और समय भी बदलेंगे। एक व्यक्ति ऐसा आएगा कि हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और गौ माता राष्ट्र पशु हाँ बनेगी। और महाराज मैं तो महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ। कई लोग ऐसे जो धर्म कार्य कर रहे हैं पर हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं समझे तो फिर आने वाले समय का हम भी अनुभव कर सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं, वो आजकल मोबाइल पे जो मैसेज चल रहा है ना, आपने शायद पिक्चर देखी नहीं होगी, सब कह रहे हैं। मैं भी यहां से निवेदन करूं कि यदि और जागना, अपने मन के भाव को चेक करना हो, देखना हो तो एक बार वो जो नई फिल्म अभी बनी है द कश्मीर फाइल, एक बार उसको देख लेना। और उसको देखने के बाद भी यदि आपकी आंख में आंसू नहीं आया तो समझ जाना कि आप भी उसी गिनती में आ रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।